नमस्कार, मैं अनुज पाल के क्या न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के निर्देशन पर जोबिट SDOP नीरज नामदेव के मार्गदर्शन से जोबिट पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां रात्रि चेक गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम देहड़िया के जंगल से अवैध शराब परिवहन कर रही एक तूफान गाड़ी को जोबिट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। थाना प्रभारी ने बताया, तूफान गाड़ी से अवैध शराब भरकर ले जाई जा रही थी, जिसमें लगभग 58 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 2,32,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं जोबट पुलिस द्वारा मामले को आबकारी एक्ट अपराध के तहत पंजीकृत कर लिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब परिवहन को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसके अभियान के परिपालन में श्रीमान SDOP महोदय और पूरा स्टाफ लगा हुआ था कि किसी भी तरह से अवैध शराब इधर से उधर परिवहित होना नहीं होना चाहिए, जिसकी कार्यवाही में कल मुखबिर सूचना मिली थी कि इधर भेड़िया के जंगल तरफ से एक गाड़ी आ रही है, गाड़ी तूफान जिसमें अवैध शराब लदी हुई है। सूचना की तस्दीक है तो मौके पर हमारा स्टाफ गजेंद्र, मनीष, सैमिया जी, अन्य जो मनीष वगैरह को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां पर एक तूफान गाड़ी मिली। तूफान गाड़ी को छोड़कर ड्राइवर तुरंत ही भाग गए। मौके पर विधिवत कार्रवाई करी, जिसमें गिनने पर तकरीबन 58 विस्की की पेटियां मिली, जिसकी अनुमानित कीमत आज है 2,32,000 जब्त की गई और थाने पर FIR लेकर। मैडम, जो लोग फरार हो गए थे उन्हें पकड़ने को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई में पुलिस टीम लगी हुई है और 24 घंटे के भीतर वे कार्रवाई पकड़े जाएंगे। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए KKR न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं अनुज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।